तो जी स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आ गया मैं वापस ऋषिकेश में और 3-4 दिन के गैप के बाद अब वीडियो बना रहा हूँ एक। आज है 15 अगस्त, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और रीज़न ये था इतने दिन जो वीडियोज़ नहीं आए 3-4 दिन का गैप, इसलिए आ गया क्योंकि मुझे घर करना था शिफ्ट। मैं घर शिफ्टिंग में बिज़ी था। पहले मैं गया वहाँ पे हरियाणा में पिंजौर में, जो मैंने आपको व्लॉग्स दिखाए, 2 व्लॉग्स जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। उनका रिस्पांस इतना बढ़िया नहीं आया, पता नहीं क्यों लोगों को क्यों पसंद नहीं आया, फिर भी जो भी है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया दोबारा ऋषिकेश में, सामान वगैरह वहाँ से लेके। तो फिर अब इस वाले मकान में हमें शिफ्ट हुए हो गए हैं 3 दिन। और घर में बिल्कुल मैस मचा हुआ था, मतलब सामान सारा बिखरा पड़ा था इधर उधर, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा था ना कहीं जा रहा था। मैं कहा पहले इसका पूरा सेटअप किया जाए, उसके बाद हम अपने बैक टू ट्रैक पे आएंगे, व्लॉग्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं जहाँ पे घूम रहा हूँ ये है छत, इनकी काफ़ी बड़ी छत है, मस्त है। और कौन सा एरिया है आसपास क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ, डिटेल्स देता हूँ। तो जी सामने जो बच्चा दिख रहा है आपको, ये है मेरी बेटी जिनिशा। मैंने एक ब्लॉग बनाया था इसके साथ, आप लोगों ने देखा होगा। ये देखो क्या, ये जो है ना बना रखा है ये छत, कुछ खाना वाना ऐसे खाने के लिए है छत पे, अगर कभी मौसम अच्छा हो तो यहाँ बैठ के आराम से खाया जाए। तो मैं रहता हूँ जी ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये एक 2-स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ मैंने शिफ्ट किया है, और इसके साथ में एक जगह है वो दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी है, मस्त जगह है। और जो सामने वाला एरिया है वो भी बहुत मस्त है, वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये नीचे वाली छत है, ये शेड डाल रखी है उन्होंने पूरी। चलो इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये है कुछ नीचे से माहौल। ये सामने पार्क है बच्चों के लिए खेलने के लिए। बाकी की डिटेल्स मैं आपको दूंगा ही, कौन सा एरिया है कैसे है जो भी है। लेकिन जो मैंने 2 अपने व्लॉग्स बनाए थे पिंजौर वाले, वो आप लोगों को पसंद के नहीं आए भाई। उसमें से जो एक था ना मेरा लास्ट वाला व्लॉग था, जो मेरा ये वाला व्लॉग आ रहा है इससे पहले वाला जो व्लॉग था, जिसमें एक्सप्लोरेशंस वाला मैंने एक टाइटल डाला था, वो एक्चुअल में बहुत क्या कहते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, वो देखने वाला वीडियो था। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था उस वीडियो को इग्नोर किया जाए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो चलो वो वाला वीडियो तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहा, जो उससे पहले वाला वीडियो था ना वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसमें भी कुछ ऐसा बुरा तो नहीं था, पांडवों से जो रिलेटेड था वही उसमें कंटेंट था, बट वो वाला नहीं पसंद आया। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर किसी को पसंद नहीं आया, हम तो बस अपना काम कर सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं, डाल सकते हैं, बाकी आपको पसंद आए ना आए उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। और जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो ना, बिल्कुल बीच में जो सेंटर में ये यहाँ से ये पूरे जो पहाड़ हैं, ये वो वाले पहाड़ हैं जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक। आपने मेरा कुंजापुरी वाला वीडियो देखा होगा, मेरे ऋषिकेश वाली प्लेलिस्ट में है। तो कुंजापुरी मंदिर यहीं पे है, ये बेसिकली नरेंद्र नगर है, तो कुंजापुरी मंदिर पड़ता है नरेंद्र नगर के अंदर, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। आप चैनल पे न्यू हो, पहली बार देख रहे हो मेरा ये वाला वीडियो, तो आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा कुंजापुरी वाला। यहाँ से ऋषिकेश से अगर हमें कुंजापुरी जाना ऊपर पहाड़ पर, तो रोड्स बड़ी मस्त हैं, एकदम बढ़िया वाली रोड्स हैं, बिल्कुल कोई टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल मोटो जीपी वाली रोड्स हैं, वो बिल्कुल स्मूथ बाइक वगैरह चलाने के लिए अच्छी है बिल्कुल। और इस घर के साथ में ही ये वाला नीचे, ये दिखाता हूँ मैं आपको क्या है, आपको यहाँ से भी दिखेगा थोड़ा बहुत क्या पूरा ही दिखेगा। ये देखो सामने आपको ट्रेन दिख रही है, आपको ट्रेन दिख रही है, ये सामने ट्रेन वगैरह खड़ी है, ये देखो ये ट्रेन खड़ी है पूरी, ये पूरी लाइन है। तो ये सामने रेलवे स्टेशन है, और ये देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन। तो ये वाला घर जो है ना, ये मकान है जो, ये बिल्कुल स्टेशन के साथ में है। और ये स्टेशन कौन सा है, तो ये वाला जो स्टेशन है ये कौन सा है पता है, कौन सा स्टेशन है, ये है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। तो ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन के साथ में मकान है भाई हमारा। और जो नया वाला रेलवे स्टेशन था ना योगनगरी, वो इसके पीछे वाली जो साइड है, जो पीछे वाली साइड है वहाँ पर है योगनगरी। तो वो मुश्किल से यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, पैदल जा सकते हो योगनगरी रेलवे स्टेशन पर। और जो एक्चुअल में जो पुराना वाला ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है पुराना, वो ये सामने वाला है ऋषिकेश का,
और ये भी पैदल जा सकते हो, ये रहा पास में ही है भाई। और मैं जब गया था अभी पंचकुला गया था, जब मैं अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं ट्रेन से ही गया था, तो मैं फिर पैदल पैदल चल के चला गया था यहीं से ही, मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं से सीधा। अब क्योंकि जो जब से योगनगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन बना ना, तब से जो ये वाला ऋषिकेश का स्टेशन है, एक्चुअल में जो ओरिजिनल जिसे कहते हैं, ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना, खैर ओरिजिनल क्या बोलेंगे इसमें, जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश का, तब से यहाँ पे फुटफॉल बहुत कम हो गई है लोगों की। यहाँ से मुश्किल से एक या दो ट्रेनें निकलती हैं पूरे दिन में, बिल्कुल भी यहाँ भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली रहता है ये रेलवे स्टेशन, बहुत कम लोग रहते हैं, और ट्रेनें भी पूरे दिन में एक या दो आती हैं या तीन चार आती होंगी, ज़्यादा मैंने देखी नहीं अभी तक, तो बहुत कम है। योगनगरी जो रेलवे स्टेशन है उसका भी मैंने व्लॉग बना रखा है, उस रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए कि वो रेलवे स्टेशन दिखता कैसा है, कैसा कैसा है, जो भी है, कितना साफ़ सुथरा है, जैसा भी है, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे है, अपनी हो तो देख लेना उसको। एरिया अच्छा है यार, ये साफ़ सुथरा एरिया है बिल्कुल, साथ में पहाड़ भी है, नरेंद्र नगर साथ में आपके, यहाँ से मेन रोड है, पूरी मेन रोड, आप जाओ यहाँ से सीधा जाओ, उसके बाद आप उधर की तरफ सीधे चले जाओगे ना जब, तो आप वो मार्केट की तरफ चले जाओगे ऋषिकेश की, उसके बाद वो लक्ष्मण झूला वाली रोड आ जाती है, वहीं से लक्ष्मण झूला, राम झूला, जो भी है वो सब सारा स्टफ वहीं से स्टार्ट हो जाता है। चलो थोड़ा सा आपको नीचे से दिखाता हूँ, नीचे की तरफ से कैसा दिखता है। ये देखो कैसे डर डर के जा रही है। मेरे जो पीछे पहाड़ है ना, इस टाइम जो पहाड़ देख रहे हो मेरे पीछे, हाँ अब दिख रहा है, हाँ वैसे तो पूरा पहाड़ दिख ही रहा है। तो जिस दिन मैं पहले दिन आया था ना यहाँ पे, तो उस दिन शाम को मैं यहाँ पे आया था छत पे, तो पहाड़ ये सामने वाले पहाड़ से पीछे की तरफ मून निकल रहा था, मून था बिल्कुल फुल, जो मून होता है ना फुल मून था, और इतना ब्राइट था, वैसा ब्राइट मून मैंने आज तक नहीं देखा ज़िंदगी में कभी उसको। शाम के टाइम मून को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मून नहीं है बल्कि कोई सन हो, इतना ज़्यादा ब्राइट था और बिल्कुल गोल था, फुल मून था, और बहुत पास से भी दिख रहा था। मैंने कहा वाह यार यहाँ से तो नज़ारे बड़े अच्छे हैं, मून भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे पहले कभी देखा है ना हो, इतना ब्राइट मून था, बहुत ब्राइट था भाई, मैं तो मून देख के हैरान रह गया कि इतना ब्राइट कैसे हो गया मून। जगह आपने देख ली, अब आपको कैसी लगी मुझे पता नहीं, मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि मेरे को ऐसी जगह ही पसंद है, तभी मैंने लिया ये, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लोकेशन पसंद आई थी और पहाड़ों के आसपास होना चाहिए था मकान, तो पहाड़ साथ में है, नरेंद्र नगर भी के पहाड़ भी यहाँ से दिखते हैं, बिल्कुल विजिबल है। अभी तो खैर नॉर्मल मौसम है, सामने सूरज निकला हुआ है मेरे पीछे, बट जब बारिश वाला मौसम होता है तो सामने वाले पहाड़ हैं ना जो यहाँ से नरेंद्र नगर वाले, ये देखो ये पीछे वाले जो पहाड़ हैं, ये पता नहीं इसमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे ढंग से, तो इसमें होता ये है कि जो बादल हैं बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, और ऐसा ही सीन पीछे वाले पहाड़ों में भी होता है, इसमें बादल आ जाते हैं बिल्कुल नीचे और ग्रीनरी ऐसी बहुत है, और ज़्यादा ग्रीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, पॉल्यूशन है बट वो उधर की तरफ है, इधर इतना पॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मार्केट की तरफ जाओगे तो पॉल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पे, वो तो ऑब्वियस है कि मिलता ही है, पॉल्यूशन तो होता ही है, बट यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं है, बहुत कम है। बाकी ना ऐसे जो ये हैं पार्क बने हुए हैं, इस टाइप के पार्क होने चाहिए यार। अब सामने देखो बच्चे बुच्चे इतने जो खेल रहे हैं, साइकिलें चला रहे हैं, तो ये बच्चे यही करते हैं शाम के टाइम यहाँ पे, देखो नीचे, क्योंकि यहाँ पे बाहर का ट्रैफिक तो आता नहीं है। ये क्या है बेसिकली, सामने जो है ना एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस इसकी यहाँ पे है, एक एंट्रेंस इसकी उधर की तरफ से है, और एग्ज़िट भी सेम ऐसे ही, एक इधर से और एक उधर से, तो बाहर का ट्रैफिक यहाँ पे आता नहीं है जनरली। जो लोग यहाँ रहते हैं बस वही लोग आते हैं, जो भी गाड़ियाँ गुड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है ना, बस वो लोकल यहाँ पे जो रहते हैं कॉलोनी में, उन्हीं लोगों का है, इसलिए सेफ भी है बच्चों के लिए, तो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं शाम के टाइम। ये बीच में लाइट लगी हुई है पूरे, ये जब जलती है शाम के टाइम पूरा जो एरिया है पूरा भाई वाइट कलर की लाइट में एकदम चमक जाता है बिल्कुल। क्या रही है कहाँ पे है? ये जो टैंकीज है, हाँ सारी अलग अलग है। कह रही है जो यहाँ पे ये टैंकीज है ना, ये सारी अलग अलग है और ये बहुत अच्छी है, कह रही है
तो फिर देखिए अपनी टंकियाँ। नई बात पता चली ना आपको आज कि टंकियाँ अलग अलग होती हैं, हमें पता नहीं था यार ये चीज़। तो इसने बता दिया कि टंकियाँ अलग अलग हैं और देखो टंकियाँ कितनी अच्छी हैं। वाह अच्छा सामने लगी है, देखो ये भी लगी है टंकियाँ। कह रही है देखो ये भी दिखाओ, ये भी डिफरेंट टंकियाँ हैं। मैंने कहा यार ये भी डिफरेंट टंकियाँ हैं। ये वाला जो मकान है ये रेलवे स्टेशन के साथ में ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे शोर शराबा रहता है ट्रेनों का हॉर्न सारा दिन। नहीं होता ऐसा, सारा दिन ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया जिस टाइम ट्रेन आने वाली होती है, मतलब जो टाइम है ना, सुबह का टाइम हो गया, एक शाम का टाइम हो गया, बस उसी टाइम हॉर्न सुनाई देते हैं, अदरवाइज पूरे दिन में कोई शोर नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांति रहती है। हाँ बस ये है कि जिस टाइम सुबह के टाइम ट्रेन आती है ना जो, या इंजन आता है कभी, तो वो हॉर्न बजाते हैं, तो एकदम इतना पास में है ये, तो जैसे हॉर्न बजता है ना नींद खुल जाती है भाई सुबह। ये थोड़ा पंगा है, चाहे जितनी मर्जी गहरी नींद में हो, जब ट्रेन का इंजन आपके सामने साथ में ही आके हॉर्न बजा देगा, सोचो आप साथ में रूम में सो रहे हो और आपके बीच में एक दीवार है बस, मतलब वैसे थोड़ी सी गली है, ऐसा बिल्कुल साथ में भी नहीं है, मतलब गली है बीच में काफ़ी चौड़ी, उसका फिर एक दीवार है, उसका फिर लाइन है, तो लाइन के पास में जब इंजन आता है या थोड़ा दूर भी होता है ना और हॉर्न बजाते हैं तब नींद खुल जाती है एकदम। तो ये वाले जो सारे लोग हैं ये टूरिस्ट हैं, बाहर से लोग आए हैं और वापस जा रहे हैं, ऋषिकेश घूमने आए थे तो घूम के जा रहे हैं वापस। देखो सामने बच्चे खड़े हैं लाइन पे, ये खड़े, और देखो ये ट्रेन आ रही है, बच्चे खड़े हैं और हट नहीं रहे हैं, हॉर्न भी पड़ा है इनको, हॉर्न भी दिया है ड्राइवर ने लोकोमोटिव के, फिर भी नहीं हटे, अब हट गए, अब हट गए, तो ट्रेन देख लो यार अब। जो ये फर्स्ट वाला बॉक्स है उसमें ट्रेन चलती है, फर्स्ट वाला बॉक्स नहीं, ये इंजन है, ये वाला इंजन है, बैठे हैं क्यों नहीं बैठे। तो जी फिर चलता हूँ मैं अब। अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा हो, कुछ भी ठीक ठाक इसमें अगर लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कर देना इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है जब सब्सक्राइब का बटन दबता है, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको मिस ना हो, ताकि आपको पता ना चले कोई मेरा मैंने वीडियो डाला और वो चला गया, आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, इसलिए ज़रूरी होता है बेल आइकन को दबाना। तो चलो मैं अब करता हूँ इसको एंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।